शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उनके बेल मामले से ठीक एक दिन पहले एक और बड़ी खबर आई है। जी हाँ, फेमस एक्ट्रेस युविका चौधरी को लेकर बिग बॉस से फेम में आने वाली बिग बॉस सीजन 9 में सुर्खियां बटोर चुकी युविका चौधरी के अरेस्ट हो जाने की खबर ने सनसनी मचा दी है। जी हाँ, अंडर SC ST एक्ट उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके वकील ने बताया कि अंतरिम जमानत पर उन्हें बाहर किया गया है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया था सवाल ये है। तो इसका पूरा जवाब हम आपको दे दें कि युविका चौधरी पर ऑफेंसिव रिमार्क्स के इल्ज़ाम लगे, शेड्यूल कास्ट को लेकर उनके जो रिमार्क्स थे उसे लेकर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। युविका के लॉयर अशोक बिश्नोई ने बताया है कि युविका चौधरी ने एक स्टेटमेंट में ऐसा कुछ कहा जिससे लोग काफ़ी नाराज हुए। लॉयर ने कहा, माई क्लाइंट हैज़ ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एज पर गाइडलाइंस गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड शी इज ऑन इंटरिम बेल नाउ इन अ केस ऑफ एलिग्ड ऑफेंसिव रिमार्क्स सेड शेड्यूल कास्ट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी हाँ, हरियाणा के हांसी में उन्हें गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच गया। हरियाणा पुलिस ने दलित राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से युविका के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया। FIR एक्ट्रेस के खिलाफ हुआ, जिसके बाद उन्हें बेल भी मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि प्रिंस नारोला, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके साथ वो अक्सर स्पॉट की जाती है, अब इस पर उनका रिएक्शन आना तो ज़रूरी ही था। जी हाँ, उन्होंने अपोलोजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मांगा ही था, लेकिन स्टिल गिरफ्तारी का सामना उन्हें करना ही पड़ा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।